वेलकम टू आस्केम भी नाउ गाई सी टी एग्ज़ामनेशन के रिज़ल्ट के बाद अब एक प्रॉब्लम आई हुई है या चैलेंज है कि सर मेरा जो स्कोर है वो इतना खास नहीं है कि मुझे एम एम एस में एडमिशन मिल जाए मेरे चॉइस के कॉलेज में पी जी के लिए मुझे चांसेज़ हैं कि कुछ अच्छे कॉलेज हैं जैसे चेतना एम ई टी एस आई ई एस आई ई एस और मे बी सम अदर कॉलेज लाइक दालमिया तो क्या मुझे पी जी करना चाहिए कि मुझे एम एम एस ही करना है सर पीजी में तो डिप्लोमा है मैंने तो ग्रेजुएशन की हुई है और मैं क्यों डिप्लोमा करूं सो इफ दीज आर द क्वेश्चंस डूइंग राउंड्स इन योर हेड दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइस सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पी और एम का डिफरेंस क्या है एम इज़ बाय द यूनिवर्सिटी राइट बाय द यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि इफ़ यू आर अंडर यूनिवर्सिटी एम बी ए कैन ओनली बी गिवन टू यू इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन नफ़ कोर्स एक्सपीरियंस अगर दो तीन साल से कम है या एक्सपीरियंस नहीं है यू स्टिल वॉन्ट टू डू एम बी ए सो देन दे गिव यू एम एम एस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है एम एम एस लेकिन देर आर सर्टन इंस्टीट्यूशन दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वलेंट कोचिंग ऑफ एम बी ए और सर्टिफिकेशन इक्वलेंट ऑफ़ एम बी ए बट इट इज़ नॉट एम एम एस एंड इट इज़ पी जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंड बज़नेस मैनेजमेंट अब सवाल ये आता है कि अगर इसमें डिप्लोमा है तो क्या ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग दिस इज़ द रॉन्ग परसेप्शन पी जी की उतनी ही वैल्यू है जितनी एक एम बी ए की वैल्यू है या जितनी एम एम एस की वैल्यू है सवाल ये नहीं है कि आपने एम एम एस किया है एम बी ए किया है कि पी जी किया है सवाल ये है कि आपने कौन से कॉलेज से किया है अगर मैं किसी फालतू कॉलेज से एम करता हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन मैं एक रेप्यूटेड कॉलेज की जिसके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेपुटेशन है उस कॉलेज से अगर मैं एम करता हूँ या पी करता हूँ तो उसकी वैल्यू है सो इट इज़ नॉट द नेम नॉट एम बी एम एम एस और पी जी इट इज़ अबाउट द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी यू आर गेटिंग इन टू सो अगर आप सी टी एग्जामिनेशन के बाद टॉप फाइव कॉलेज़ में अगर आपको एम एम एस मिलता है देन एम एम एस के लिए सेंस बनता है बट यू हैव गॉट मोर देन एटी परसेंट आएल और एट्टी फाइव परसेंट आईल एंड यू नो दैट यू हैव नो चांस इन गेटिंग एम एम एस इन टॉप थ्री और फाइव कॉलेजेस देन डू नॉट वरी अप्लाई फॉर पी जी इन ग्रेट कॉलेज देर आर सर्टन कॉलेजेस इन मुंबई चेतना एम ई टी दालमिया एस आई ई एस आई ई एस ये कॉलेज भी आपको उतनी ही ग्रेट अपॉरचुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जितना एक टॉप कॉलेज का एम एम एस कर सकता है मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कल जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मोर देन योर

जस्ट लाइक ऑलवेज वी मेक्स शॉर्ट सिंपल अप टू द पॉइंट वीडियोज एट आज कैम बे अगर आपको टॉप थ्री टू फाइव कॉलेजेज में एम एम एस मिलता है तो इट्स वर्थ इट और एल्स पी जी के लिए ट्राई करो इफ़ यू गॉट मोर देन एटी एटी फाइव परसेंटाइल ना पी जी के लिए इंटरव्यू भी होता है येस तो कैंडिडेट ज़्यादा फिल्टर्ड रहते हैं एट आज कैम बी ए वी आर गोइंग टू ट्रेन यू फॉर इंटरव्यू इफ़ यू आर गोइंग फॉर पी जी in any college of maharashtra or of mumbai you guys can get in touch with us if you are a student of ask mba you already know what needs to be done and you will be guided as per that but if you are not an ask mba student still you can get in touch with us i will share the contact details in the description box thank you and stay blessed